बोलो जय जय श्री राधे राधे। मिटी मिटी ताली बजाओ क्योंकि ये सुनो भैया, क्योंकि ये भगवान का भजन जवानी में ही हो पाएगा, बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। बुढ़ापे में कहियो सीताराम मुहते निकली है पीता ला, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसा होता है, कहा है कुछ और निकलत कुछ और। एक बात बता दे, चलो आज लास्ट मामला है, थोड़ी देर भी हो जाएगी कोई बात नहीं। एक बात बता दे, एक बात, हमारा कार्यक्रम चल रहा, लास्ट वाला दिन उनके घर में तिलक था, तो एक माता जी आई बूढ़ी बूढ़ी, मुंह मा जाता है भैया भैया चल चल भैया, क्योंकि हमारा नाम वो है हमारे चेला अभी वही, तो हमने कहा बोलो मखा बा, बोली भैया हमको ढोलक दबा के हम लोग कीर्तन करिए, तो हमने कहा अच्छी बात कीर्तन करो। बोली माइक, हमने कहा भैया ये माइक उनसे पूछो क्योंकि उनकी हमारी नहीं है, पूछ लिया बेचारे उन्होंने भी कहा ठीक ले लो। सामने जगह पड़ी थी, माइक हो गया ढोलक हो गया, दूसरी जगह जगह नहीं थी, पंडाल में ही 15-20 लोग बैठ गए। जब 15-20 लोग बैठ गई क्या हुआ, शुरू होगी। और ये माताएं बहनें बड़ी बुद्धिमान होती हैं, चाहे घर में तिलक हो, चाहे मुंडन हो, चाहे सोहर गाना हो, चाहे बन्ना गाना हो, चाहे बन्नी गानी हो, सबसे पहले माताएं बहनें छंद गाती हैं। अच्छी बात, सबसे पहले ये माताएं बहनें छंद गाती हैं। तो चार पांच छंद गाईं, अब एक जनी बोली अब छंद हुई है, अब बंदरा गाओ बंदरा गाओ बंदरा, अब बंदरा गाओ, तो बनना शुरू हुए बिटिया लोगों को शुरू किया बनना क्या कि अरे मोती मांग गई, बिटिया लोगों ने गाना शुरू किया अरे मोती मांग गई सुघर बने राम रो, मोती मांग गई सुघर बने राम रो, मोती मांग गई सुघर बने राम रो, मोती मांग गई। चुप हो गया कहीं बूढ़ी अम्मा, तुम कहने लगते हो एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहे मुंह में दात ना पेट में हाथ ना चलो जात ना कोई बैठी सुई चाप। बिटिया बोलिए तुम काहे सुई चाप बैठी तुम होगा, तो वो कह लगी देखो तो बूढ़ी अम्मा बोली बिटिया देखो हम मुंह में दात ना हम कह ना पाए। आहा बिटिया लोग सुचि नहीं बूढ़े हो जरूर गवावो, बिन दात ने बूढ़िया देखी कैसे गई है, मजाक उड़ावे चक्कर मां बिटिया लोग मैक लगाई दी बूढ़ी अम्मा के मुंह में। अब बूढ़ी अम्मा कहने अच्छा, मन में सोचा अगर नहीं गाऊंगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, ये माताएं बहने हैं ना अपनी बदनामी नहीं करवा सकती, चाहे जहाँ बैठी हो बात सुन ले। अगर एक जनी कहा ये हमारे भैया मोटरसाइकिल ले आए, तो दूसरी वाली कहती हमारे भैया फोन करी ना आए, हमारे भैया जीप पर ले जा रहे हैं। हाँ बदनामी नहीं होने देंगी, ध्यान देना। तो अब बूढ़ी अम्मा ने विचार किया क्या करें, पुराना गीत गाए, सोचने लगी पुराना गीत गाऊंगी तो सब जनी गवाई नहीं पई है। सही बात, यहाँ पे जो हमारी बूढ़ी माता लोग बैठी हैं, अगर गीत गाना शुरू करें पुराना वाला तो हमारी जो बिटिया लोग हैं आजकल वो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि पुराने गीत दूसरे किस्म के थे। अब फिल्मों में देख लो, फिल्मों में देख लो पुराने गानों में बड़ी मर्यादा थी, अब आजकल गाना ऐसे है जो घर में बजाओ वाले नहीं, लेकिन लोग अपना बजाते हैं वो अपनी अपनी इच्छा। देख लो फिल्म एक बनी है भी, क्या नाम उसका पठान, ऐसे कपड़ा हमको थोड़ा मोबाइल में एकदम चलचित्र आ गया, अत्ते ऐसे कपड़ा पहन दे हम कहे भगवान ये दुनिया कैसे संभलेगी, बर्बाद करने का काम हो रहा है, ध्यान देने। तो अब बूढ़ी माता ने विचार किया कि पुराना गीत गाऊंगी तो सब जनी गवाए ना पे है और नौ हम कावत ना है, क्योंकि अब हम सोच रहे निकला ये है गाय दे, क्योंकि सही है भाई बिटिया लोग बनना गाती है सब नए नए बनना आप लोगों ने देखा होगा, बिटिया लोग गाना शुरू करें देख लो। हो मेरे रस के कमर मेरा बनना सुघर, ये बनना है मेरे रस के कमर मेरा बनना सुघर, मैंने बनना सजाया मजा आ गया।
सजाया मजावा गया सर पे मौला बंधा बड़ा अच्छा लगे सर पे मौला सजा बड़ा अच्छा लगे सर पे मौला सजाया मजावा ने क्या किया सोचा ये सब गा नहीं पाएंगे तो अब जो गीत चल रहा था सोचा उसी को गा दे हम मुंह में दांत नहीं रहे बिटिया लोग गाए रह रहे सुघर बनरा मेरो मोती मांगे देखिए हमारा दृष्टांत कथा से ही जुड़ा होगा मैंने बोला था कि भगवान का भजन जवानी में हो सकता बुढ़ापे में नहीं होगा अब बूढ़ी अम्मा बन्ना गाए रहे कैसे बिटिया लोगों ने गाया था कि सुघर बनरा मेरो मोती मांगे मोती मांगे अब बूढ़ी अम्मा सुन गई ना बुमा दात रहे अरे मोती मांगे मोती मांगे निकरो नहीं मुते निकरी को मोती मार रही अच्छा अरे मोती मांगे अरे मोती मांगे सो घरा बंदा लड़का को तिलक नहीं भो मोताई मारे हो तो उनकी गलती नहीं गाय ने मोती मांगे लेकिन हवा निकली गई तो मोती मांगे नहीं मोती मारे निकली गई तो इसलिए ध्यान देना भगवान का भजन जवानी में ही हो सकता है बड़ी मस्ती से बोले सभी लोग